अस्सलाम वालेकुम। BNCF की एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रजा। लास्ट वीडियो में हमने मोल के फॉर्मूले के हवाले से कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था कि किस तरह से आप मोल को ग्राम में या फिर ग्राम को मोल में, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल, वॉल्यूम से मोल में या फिर मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक आपको ईजी वे बताया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी केमिस्ट्री के लिहाज से ही है। आज का टॉपिक है स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशंस में आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि इसमें हम जो भी इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो भी रिएक्शन कैरी आउट हो रहा हो वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कोई भी साइड रिएक्शन उसमें नहीं हो रहा हो तभी हम उसमें स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस लगा सकते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। आज जो मैं मेथड आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो MCAT, ECAT या फिर डिफरेंट जो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन हैं उसमें आपको हेल्प करेगा इंशाल्लाह। मैं अगर इस वीडियो में टाइम मिल जाता है तो इसमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट भी आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं। सपोज कर लेते हैं हम एक जनरल रिएक्शन कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है ए मोल ऑफ ए, स्मॉल ए इज मोल ऑफ रिएजेंट रिएक्टेंट ए, बी मोल ऑफ बी रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सी मोल ऑफ सी। अभी जो यहां पे मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी लिखा है ये हमारे पास मोल हैं। अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को लिखना चाहूं एक आसान वे में तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एन मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट, यहां पे कोएफिशिएंट क्या है ए, दिस कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड एज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज वेल, इज इक्वल टू बी मोल ऑफ सॉरी एन मोल ऑफ बी, जो भी हमारे पास गिवन होगा मोल उसके लिहाज से हम निकालेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास बी, इज इक्वल टू एन मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाई इट्स कोएफिशिएंट विच इज सी। एक इक्वेशन सपोज करते हैं, लेट सपोज हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है एच टू प्लस ओ टू एच टू ओ, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास दो है, तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे टू लगा देंगे, हाइड्रोजन अब हमारे पास फोर हो गए तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए टू लगा दिया। अब अगर हम इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन के लिहाज से लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से होगा एन मोल ऑफ एच टू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे क्या है टू, इज इक्वल टू एन मोल ऑफ ओ टू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास क्या है वन, एन मोल ऑफ एच टू ओ डिवाइड बाई इट्स कोएफिशिएंट विच इज ऑल्सो टू। अब ये कोएफिशिएंट लिखना तो आपको आ गया होगा, इसमें हम डिफरेंट मेथड्स और भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि एक इक्वेशन और सपोज कर लेते हैं कि कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे हमारे पास सबका मोल कोएफिशिएंट वन है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एन मोल ऑफ सी डिवाइड बाय वन इज इक्वल टू एन मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय वन इज इक्वल टू एन मोल ऑफ सी ओ टू डिवाइड बाय वन। ये इक्वेशन लिखने का तरीकेकार अगर आपको अब समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
of carbon dioxide produced when 3 moles of oxygen reacts with carbon. यही इक्वेशन है जो हमारे पास ऊपर दी हुई है. इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिख लेते हैं. कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. इक्वेशन को लिखने का जो तरीकेकार है उसको हम दोबारा से लिख लेते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ों का ख्याल करना है. हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए दी हुई हैं, और जो मालूम करना है वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी रिलेशन को अब लिखते हैं. ऑक्सीजन डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय 1. हमें ऑक्सीजन का मोल गिवन है, वो हमारे पास जो मोल है वो हमारे पास क्या है, 3. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू NCO2 हमें मालूम करना था, तो NCO2 डिवाइड बाय 1. अब अगर आप देखते हैं तो हमारे पास नीचे में दोनों कोएफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास NCO2 की वैल्यू आ जाएगी 3. यानी कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास 3 होगा. ये तो हमारे पास एक मोल टू मोल कॉन्सेप्ट था. अगर हमें इसमें कहा जाता कि व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास यहाँ पे मोल आ गए. इस मोल को हम मल्टीप्लाई कर देते इसके मोलर मास से, जो कि हमारे पास 44 है. तो हमारे पास जो भी मास आ रहा होता वो हमारे पास 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से आ रहा होता मल्टीप्लाई करने के बाद. तो अगर आपसे मोल पूछा जाए तो आप मोल भी निकाल सकते हैं, अगर आपसे उसका ग्राम में मास पूछा जाए तो वो भी निकाल सकते हैं. एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ MgO. इक्वेशन हमारे पास गिवन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. अब अगर इस सवाल में देखें तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है. यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसको बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है. तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया. अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इस पर हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एन एम जी डिवाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट विच इज 2 इज इक्वल टू एन ओ 2 डिवाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट विच इज 1 एंड एम जी ओ डिवाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट विच इज 2. अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं. नंबर ऑफ मोल हमें मालूम करना है, हमें जो दिया हुआ है वो मोल्स की वैल्यू दी हुई है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोल हमारे पास 3 गिवन है, जिसमें हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है. तो हम सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें लिख लेते हैं, NO2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू NMgO डिवाइड बाय 2. हमारे पास जो मोल की वैल्यू गिवन है वो है 3 डिवाइड बाय 2, हमें ये निकालना है. तो हमारे पास NO2 की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइड बाय 2 विच इज 1.5 मोल्स. अभी तक हमने जो बात की है वो मोल्स मोल रेशो की बात की है. अगर हमारे पास इससे कहा जाता है कि हमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो हमारे पास वॉल्यूम निकालने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1.5 या फिर जो भी मोल होगा उसको हम उसके मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. मोलर वॉल्यूम का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होना इक्वेशन का जरूरी है. तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. ये तो हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की बेसिक्स की बात हो गई. हम लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह से मालूम कर सकते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं. सपोज कर लें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO प्रोड्यूस्ड व्हेन 3 मोल्स ऑफ Mg रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन.
इक्वेशन हमारे पास ऊपर ही है वाली है, 2mg प्लस O2 2mg O, यहाँ पर भी हमने वही करना है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान में रख के करेंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं, nmg डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एन ओ टू डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू एन एम जी ओ डिवाइड बाय 2। सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि कौन सा रिएक्टेंट इक्वेशन में पहले कंज्यूम हो जाता है। तो जो इक्वेशन में पहले कंज्यूम हो जाएगा वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और उसी से हम फिर आगे फर्दर इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे। तो हम पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए हमने दोनों रिएक्टेंट के दरमियान का रिलेशन देखना है। यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है वो एन एम जी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एन ओ 2 डिवाइड बाय 1। हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं वो हमारे पास 3 मोल्स ऑफ एम जी है, तो हम लिख देते हैं 3 डिवाइड बाय 2, और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 2 डिवाइड बाय 1। अगर देखा जाए तो 3 डिवाइड बाय 2 का मतलब है 1.5, और 2 डिवाइड बाय 1 का मतलब है 2। इसमें से हमारे पास कौन सी वैल्यू छोटी है? यकीनन 1.5, तो 1.5 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू होगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट इसका मतलब इस इक्वेशन में हमारे पास कौन है? मैग्नीशियम है। आगे हम जो इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट चूंकि हमारे पास मैग्नीशियम आया है, हम यहीं पे देख लेते हैं कि हमारे पास इससे अब हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कितना आएगा। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, वो इक्वेशन कुछ यूं है, एन एम जी डिवाइड बाई 2। हमने यहाँ पे अब सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन लिखना है इसके, और जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसके दरमियान में। एन एम जी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एन एम जी ओ डिवाइड बाई 2। इसमें हमारे पास जो मैग्नीशियम की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास 3 मोल से 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एन एम जी ओ डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एन मोल्स ऑफ एम जी ओ, तो 3 टू द 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एम जी ओ का मोल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 मोल्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे अगर आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।